गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डेटा टेकडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम गिरीश कुमार भाटी है और आज हम सीखेंगे डेसिमल्स। वैसे आप सब लोगों ने हमारे पहले वाले वीडियो फ्रैक्शन वाले पार्ट में देखा होगा और फ्रैक्शन के बारे में समझा भी होगा। डेसिमल एक तरह के फ्रैक्शंस ही होते हैं, मगर ये कुछ खास तरह के फ्रैक्शंस हैं। कैसे? जैसे हमने देखा था कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर की साइड होता है और डिनोमिनेटर नीचे की तरफ होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4/5। तो यहाँ पे ये 4 है वो न्यूमरेटर है और 5 है वो डिनोमिनेटर है। बट ये तो फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है और इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है। बट डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल एक तरह के फ्रैक्शंस ही होते हैं। वो फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा 10, 100, 1000, 10,000, मतलब इस तरीके से वो डिनोमिनेटर होता है, मतलब कि ये वाला नंबर होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। नीचे आप देखोगे तो वहां पे हो सकता है 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 45/10, तो ये फ्रैक्शन तो है मगर आप इसको डेसिमल भी बोल सकते हो। मगर जनरली हम डेसिमल को पॉइंट वाले नंबर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर मुझे 45/10 को लिखना हो तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा 4.5। अब मैंने 4.5 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे डिवीजन में 10 था और 10 में 10 आता है, इसीलिए पॉइंट के बाद में 1 नंबर आया। तो आगे हम जानेंगे कि इसको हम कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो डेसिमल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अभी तो हमने देख लिया कि डेसिमल का मीनिंग क्या होता है, मतलब डेसिमल एक तरह के फ्रैक्शन ही होते हैं और उस फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर रहता है, नीचे का नंबर रहता है, वो हमेशा 10, 100, 1000 और 10,000 में होता है और उस फ्रैक्शन को हम पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी हम बात करेंगे कंपैरिजन की, तो हम डेसिमल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ और हम उसको बाद में कंपेयर करेंगे। चलो आइए हम जान लेते हैं कि डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले का नंबर कंपेयर करना है। यहाँ पे 4 है वो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा है, इसलिए 4 को हम 2 डॉट देंगे, क्योंकि वो 2 से ज़्यादा है इसलिए हमें इसको 2 डॉट दिया, और 2 है वो 4 से छोटा है इसलिए हमने इसको 1 डॉट दिया। आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, मतलब 4.5 इज ग्रेटर देन 2.7।
यहां पे आप 3 और 4 को कंपेयर करिए, पॉइंट के पहले के नंबर को चेक करना है आपको। यहां पे देखो 3 है वो छोटा है 4 से, इसलिए 4 को जो बड़ा होता है उसको 2 पॉइंट्स देना है और छोटा है उसको 1 पॉइंट देना है। तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब 4.5 इज ग्रेटर देन 3.5। अब यहां पे देखिए पॉइंट के पहले 3 है, पॉइंट के पहले 3 है, मतलब दोनों इक्वल है। तो अभी हम सेकंड स्टेप चेक करेंगे, मतलब सेकंड एग्जीक्यूशन करेंगे। पॉइंट के बाद में यहां पे 5 आ रहा है और पॉइंट के बाद में यहां पे 4 आ रहा है, तो 4 से 5 बड़ा होता है इसलिए इसको हम 2 पॉइंट्स देंगे और इसको हम 1 पॉइंट देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 3.5 इज ग्रेटर देन 3.4। अब यहां पे 3.9 है और 3.8 है, तो हम पॉइंट के पहले चेक करेंगे 3 आ रहा है, पॉइंट के पहले चेक करेंगे 3 आ रहा है, दोनों सेम है, कुछ हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब पॉइंट के बाद के नंबर चेक करते हैं, तो पॉइंट के बाद यहां पे 9 आ रहा है और पॉइंट के बाद यहां पे 8 आ रहा है, तो 9 बड़ा है 8 से, तो इसको 2 पॉइंट्स मिलेगा और इसको 1 पॉइंट मिलेगा, इसलिए ये 3.9 इज ग्रेटर देन 3.8 हो जाएगा। सेम यहां पे पॉइंट के पहले 4 है और यहां पे पॉइंट के बाद में पॉइंट के पहले 2 है, तो 4 बड़ा होता है 2 से, इसलिए इसको 2 पॉइंट्स मिलेगा और इसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे पॉइंट के पहले 3 है, यहां पे पॉइंट के पहले 3 है, कोई डिसीजन नहीं बन पाएगा। पॉइंट के बाद में 7 है, पॉइंट के बाद में 4 है, तो 7 बड़ा होता है 4 से, 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 1 पॉइंट मिलेगा, इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे पॉइंट के पहले 3 है, पॉइंट के पहले 3 है, कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है, मगर आप चेक करो पॉइंट के बाद में 23 आ रहा है और पॉइंट के बाद में 43, और ऑब्वियसली 43 बड़ा है 23 से, इसलिए इसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे और इसको 1 पॉइंट। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे पॉइंट के पहले 3 है, पॉइंट के पहले 3 है, दोनों इक्वल हैं। पॉइंट के बाद में 2 है, पॉइंट के बाद में 2 है, दोनों इक्वल हैं, कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है, हम कुछ नहीं पता कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। थर्ड नंबर के लिए चेक करेंगे, पॉइंट के बाद में 0 और पॉइंट के बाद में भी सेकंड नंबर पे 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर ऑब्वियसली क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को 2 पॉइंट देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये इज इक्वल टू की साइन हो जाएगी। मतलब यहां पे ये दोनों नंबर छोटे बड़े नहीं हो रहे हैं, आप इनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो हम यहां पे कंपैरिजन को समझ गए हैं ऐसा मान के चलते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे एक्सपैंड फॉर्म, डेसिमल को आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्सपैंड क्या होता है। मैं आप एक नंबर ले रहा हूं 2.374। अब मुझे इसको एक्सपैंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, यहां पे 2 पॉइंट है वहां पे मैं प्लस कर दूंगा, यहां पे पॉइंट के बाद में फर्स्ट नंबर पे 3 आ रहा है, पॉइंट के बाद में सेकंड नंबर पे 7 आ रहा है और पॉइंट के बाद में थर्ड नंबर पे 4 आ रहा है। अब जितने जो नंबर जिस पोजीशन पे होंगे उसको उतने 0 मिलेंगे। अब देखो 3 है वो फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए इसको 1 0 मिलेगा, प्लस कर देना है। 7 है वो सेकंड पोजीशन पे है इसीलिए 7 को 2 0 मिलेंगे, मतलब उसको डिवाइड बाय 100 कर देना है। और 4 है वो थर्ड पोजीशन पे है इसलिए मैं 4 के नीचे 3 0 रखूंगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ 2.374, तो ये हो जाएगा 2 + 3/10 + 7/100 + 4/1000। वैसे ही अगर आपको इसका उल्टा पूछा हो, मतलब आपको एक्सपैंड फॉर्म दिया हो और आपको शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो, तो आप क्या करोगे, ये आप 2 लिखोगे यहां पे, जहां प्लस की साइन है, पहली बार प्लस की साइन आएगी वहां पे आपका पॉइंट बन जाएगा। वैसे ये 1 0 है मतलब ये फर्स्ट पोजीशन होगी पॉइंट के बाद, 2 0 है मतलब ये सेकंड पोजीशन होगी पॉइंट के बाद, और 3 0 है मतलब ये थर्ड पोजीशन होगी पॉइंट के बाद। अगर मैं यहां पे पोजीशन 1 दे दूं, पोजीशन 2 दे दूं और पोजीशन 3 दे दूं, तो फर्स्ट पोजीशन पे 3 आ रहा था, यहां पे 3 लिख दे रहा हूं मैं, सेकंड पोजीशन पे 7 आ रहा था,
सेवन लिख दिया, थर्ड पोजीशन पे फोर आ रहा था, फोर लिख दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.374। ये एक सिंपल कंसेप्ट था कि आप एक्सपांड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। जैसे अगर मेरे पास कोई और क्वेश्चन है 32.046, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 32 प्लस 0/10 प्लस 4 बाय, ये सेकंड पोजीशन पे है पॉइंट के बाद में, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है, मतलब इसको दो जीरो मिलेंगे, और ये पॉइंट के बाद में थर्ड पोजीशन पे है इसीलिए इसको तीन जीरो मिलेंगे। वैसे हम एक और रिवर्स एग्जांपल ले रहे हैं 327 प्लस 4/100 3/10 7/1000। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ बुक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है जो पहली बार प्लस है उसको आपको पॉइंट ले लेना है और इस नंबर को आपको नीचे उतार लेना है। अब देखना है 10 मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, 20 मतलब ये सेकंड पोजीशन है, और 30 मतलब ये थर्ड पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, 3 था, सेकंड पोजीशन पे 4 था, और थर्ड पोजीशन पे 7 था, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 327.347। वैसे इसको रीड करने का एक रूल होता है, पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको उसके सिस्टम के हिसाब से आप रीड कीजिए, और पॉइंट के बाद आप सिंगल सिंगल डिजिट को ही प्रोनाउंशिएट करिए, जैसे 327.347। ओके ठीक है, तो समझ मैं चाहता हूँ कि, या मैं होप करता हूँ कि आपको शायद ये समझ में आ गया है। तो हम हमारे आगे वाले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सपांड फॉर्म हमने समझ लिया है, अभी हम बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल के बारे में। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स, अब ये लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। 4.327 और 3.27983, 4.328, 3.279। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के पहले कितने नंबर, पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं। यहां पे पॉइंट के बाद में 3 नंबर्स हैं और यहां पर पॉइंट के बाद में 3 नंबर्स हैं, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है या लाइक डेसिमल्स हैं। कैसे, यहां पे पॉइंट के बाद में 3 नंबर आ रहे हैं, वो 3 नंबर चाहे कोई भी हो मगर 3 डिजिट्स आने चाहिए, और पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर हो मगर 3 डिजिट्स आने चाहिए, और यहां पे 3 हैं इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। मगर हम ऊपर के केस में देखेंगे, यहां पे पॉइंट के बाद में 1, 2, 3 डिजिट्स आ रही हैं और यहां पे पॉइंट के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स आ रही हैं, तो ये अनलाइक हो जाएगा। ये अनलाइक है और ये लाइक है, तो पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स आती हैं तो वो लाइक हैं, और पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स नहीं आती हैं तो वो अनलाइक हैं। मगर आपको जब आप डेसिमल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा लाइक डेसिमल का ही एडिशन कर पाओगे, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में अनलाइक डेसिमल्स दिए जाते हैं और आप उनको एडिशन करना चाहो तो कैसे ऐड कर सकते हो, तो इसके लिए आपको अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करना सीखना होगा। तो हम चेक सीख लेते हैं कि अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज करें। सपोज मेरे पास एक नंबर है
3.27 और मेरे पास एक नंबर है 3.279। वैसे तो ये नंबर 3 के बाद 2 डिजिट्स आ रही हैं और 3 के बाद 3 डिजिट्स आ रही है, तो ये दोनों अनलाइक हैं। अब अगर मुझे इनका एडिशन करना हो तो मुझे इनको पहले लाइक बनाना होगा। लाइक बनाने का मतलब है कि पॉइंट के बाद मुझे इक्वल्स डिजिट डालनी होगी या इक्वल डिजिट करनी होगी। तो हम कैसे करें, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आ रही हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे पीछे एक जीरो ऐड कर दूंगा तो ये पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हो जाएगी। वैसे भी पॉइंट के बाद जीरो ऐड करने से नंबर की वैल्यू में या डेसिमल की वैल्यू में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। आप पॉइंट के पहले भी जीरो ऐड कर सकते हो और पॉइंट के बाद भी जीरो ऐड कर सकते हो। मतलब सपोज आप पॉइंट के पहले, मेरे पास एक नंबर है 3.2, तो पॉइंट के बाद में आप चाहे कितने भी जीरो ऐड करो कोई मीनिंग नहीं होगा, और पॉइंट के पहले, नंबर के पहले आप कितने भी जीरो ऐड करोगे उसकी कोई वैल्यूज नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हो गई और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हो गई। तो अब ये दोनों कैसे हो जाते हैं, ये अब ये लाइक डेसिमल बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं और आप इन्हीं लाइक डेसिमल का एडिशन या सब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम डेसिमल का एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, वो हमारे बेसिक सीरीज का पार्ट 3 होगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहे। कोरोना डिजीज चल रहा है, घर में रहिए और अपने और अपनी फैमिली की सेफ्टी बनाए रखिए। बार बार हाथ धोइए, वॉश योर हैंड्स विथ और सैनिटाइज कीजिए उसको ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ अस। थैंक यू सो मच।